वेलकम टू एडवांस स्कूल ऑफ मैथ एंड साइंस, क्लास 9, चैप्टर 1, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स के पार्ट 5 के साथ जुड़ रहा हूँ। पार्ट 5 में जो कंटेंट्स है एनसीईआरटी एक्सरसाइज, चैप्टर के लास्ट में एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस दिए गए हैं और इस पार्ट 5 में एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा। इस टॉपिक की जो समरी है कि हम लोगों ने क्या सीखा, क्या पढ़ा। मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। मैटर यानी पदार्थ छोटे छोटे पार्टिकल का बना हुआ है जिनका साइज बहुत ही छोटा है। जैसे हमने पढ़ा था कि पोटेशियम परमानेट का दो तीन क्रिस्टल ने तो वो लगभग 1000 लीटर वाटर को कलर करने की क्षमता रखता है। इसका मतलब जैसे आप एक क्रिस्टल कहते हैं वो धीरे धीरे टूट टूट करके मिलियंस ऑफ छोटे छोटे पार्टिकल्स में आएगा। द मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन थ्री स्टेट्स। मैटर जो हमारे आसपास में है उनकी तीन अवस्थाएं हैं, पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड और तीसरा गैस। ठोस, द्रव और गैस ये तीन पदार्थ की अवस्थाएं। द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स आर मैक्सिमम इन सॉलिड्स, इंटरमीडिएट इन लिक्विड्स एंड मिनिमम इन गैसेस। तो पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सबसे ज्यादा सॉलिड के पार्टिकल के बीच में है, उसके बाद लिक्विड के पार्टिकल के बीच में, और ये फोर्स बहुत कम होगा, मिनिमम होगा गैसियस पार्टिकल के बीच में। द स्पेसेस इन बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स आर मिनिमम इन द केस ऑफ सॉलिड्स। पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस जिसको इंटर पार्टिकल स्पेस कहते हैं वो सबसे कम सॉलिड्स के लिए है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स यानी पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है, गति वाली ऊर्जा है, वो भी सॉलिड की सबसे कम है, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल की गति सबसे कम होती है इसलिए काइनेटिक एनर्जी भी सबसे कम होगी। इंटरमीडिएट इन लिक्विड्स एंड मैक्सिमम इन गैसेस। तो ये जो स्पेस या काइनेटिक एनर्जी है वो सबसे कम हो गई किसके लिए, सॉलिड के लिए, उससे अधिक होगा लिक्विड के लिए, और मैक्सिमम जो है वो गैसेस के केस में होगा। अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज मोस्ट ऑर्डर्ड इन द केस ऑफ सॉलिड्स। यानी सॉलिड्स के केस में जो पार्टिकल अरेंज हैं वो रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल है, ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है, जबकि लिक्विड के केस में पार्टिकल्स के लेयर हैं विच कैन स्लिप एंड स्लाइड ओवर ईच अदर। लिक्विड्स के केस में पार्टिकल्स लेयर्स के फॉर्म में हैं और एक लेयर दूसरे लेयर पे स्लिप कर सकता है, स्लाइड कर सकता है। वाइल फॉर गैसेस देयर इज नो ऑर्डर, पार्टिकल जस्ट मूव अबाउट रेंडमली। लेकिन किसी भी तरह का ऑर्डरनेस या सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स गैस के केस में नहीं होता है, पार्टिकल जो है रैंडमली मूव करते हैं। द स्टेट्स ऑफ मैटर आर इंटरकन्वर्टेबल। यानी मैटर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बदला जा सकता है। स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग टेम्परेचर और प्रेशर। टेम्परेचर या प्रेशर बदल करके स्टेट में चेंज लाया जा सकता है, यानी ताप और दाब का परिवर्तन, अवस्था परिवर्तन ला सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, सब्लिमेशन इज द चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट डायरेक्टली टू गैसेस स्टेट विदाउट गोइंग थ्रू लिक्विड स्टेट। यानी जब भी हम सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया की बात करते हैं तो उसमें सॉलिड जो है डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है बिना लिक्विड में बदले हुए। डिपोजिशन इज द चेंज ऑफ गैसेस स्टेट डायरेक्टली टू सॉलिड स्टेट विदाउट गोइंग थ्रू द लिक्विड स्टेट। डिपोजिशन
ये इंडिकेट करता है कि गैस के पार्टिकल्स जो हैं वो डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हुए हैं विदाउट सेपरेशन ऑफ लिक्विड स्टेट, यानी गैस के पार्टिकल बिना लिक्विड में बदले हुए जब डायरेक्टली सॉलिड के स्टेट में आ जाते हैं तो ये प्रोसेस सब्लिमेशन का रिवर्स प्रोसेस है, और इस प्रोसेस को कहा जाता है डिपोजिशन। ये प्रोसेस कहलाता है डिपोजिशन। बॉइलिंग इज अ बल्क फेनोमेनन। बॉइलिंग जो है एक बल्क फेनोमेनन है। बल्क का मतलब कि जो भी आपने पूरा लिक्विड का सिस्टम लिया है वो हम होल को कंसिडर कर रहे हैं, संपूर्ण को कंसिडर कर रहे हैं, तो उसको बल्क कहते हैं। पार्टिकल्स फॉर्म द बल्क ऑफ द लिक्विड चेंज इनटू वेपर स्टेट। बॉइलिंग के प्रोसेस में जो लिक्विड के पार्टिकल हैं वो बल्क से वेपर में कन्वर्ट होते हैं, लेकिन इवेपोरेशन इज अ सरफेस फेनोमेना। इवेपोरेशन हमेशा सरफेस या सतह से होता है। पार्टिकल्स फ्रॉम द सरफेस गेन इनफ एनर्जी टू ओवरकम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट इन द लिक्विड एंड चेंज इनटू द वेपर स्टेट। तो सरफेस के जो पार्टिकल हैं वो इनफ एनर्जी को गेन करते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लिक्विड के बीच में है उसको ब्रेक करते हुए वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड्स अपॉन द सरफेस एरिया एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर, द टेम्परेचर, द ह्यूमिडिटी एंड द विंड स्पीड। अब ये जो इवेपोरेशन या वाष्पीकरण का दर है, रेट है, वो डिपेंड करता है कि कितना सरफेस एरिया एटमॉस्फेयर को एक्सपोज है, आपने कितना टेम्परेचर यूज किया है, ह्यूमिडिटी की क्या कंडीशन है, विंड की स्पीड कितनी है। नॉर्मली सरफेस फेनोमेना होने के कारण लार्जर सरफेस एरिया चाहिए ज्यादा इवेपोरेशन के लिए, टेम्परेचर अधिक होना चाहिए, ह्यूमिडिटी कम होनी चाहिए और विंड की स्पीड भी अधिक होनी चाहिए अधिक इवेपोरेशन होना, तो उसका ये कंडीशन। इवेपोरेशन काउजेस कूलिंग। तो जब भी लिक्विड का इवेपोरेशन होता है, लिक्विड जब वेपर में कन्वर्ट होता है तो अपने सराउंडिंग से हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, सराउंडिंग का टेम्परेचर जो है वो कम होगा क्योंकि उसका एनर्जी कंटेंट कम हो गया, और टेम्परेचर के कम होने से कूलिंग सेंसेशन आएगा, टेम्परेचर के कम होने से ठंडापन महसूस किया जाएगा। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड टू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट पे जब 1 kg लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो उसपे जितना हीट एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको कहा जाता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, यानी वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। सिमिलरली लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इंटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। उसी तरह से 1 kg सॉलिड को मेल्टिंग पॉइंट पे लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उस मात्रा को हम लोग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं, यानी ये हो गया फ्यूजन मतलब पिघलना गलना, तो ये गलने के करस्पॉन्डिंग में गुप्त ऊष्मा है, जबकि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है वो लिक्विड के गैस में कन्वर्सन से रिलेटेड है। क्वांटिटी 1 kg दोनों ही केस में बाय डिफॉल्ट हम टेक करते हैं। सम मेजरेबल क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स टू रिमेंबर। अब पहला क्वांटिटी जो यूज किया गया है वो है टेम्परेचर। इसके लिए केल्विन यूज करते हैं, सिंबॉलिकली इसको के से दिखाते हैं। लेंथ का यूनिट जो है मीटर है, सिंबल एम हो गया। मास को किलोग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल के लिए केजी। वेट के लिए न्यूटन यूज करते हैं, सिंबल एन हो गया। वेट
इज ए काइंड ऑफ फोर्स, यानी वेट जो है वो फोर्स का एक प्रकार है, वॉल्यूम क्यूबिक मीटर मीटर क्यूब, डेंसिटी मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम होता है, तो मास का यूनिट है किलोग्राम, वॉल्यूम का क्यूबिक मीटर, तो किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, केजी पर मीटर क्यूब, और प्रेशर जो है ये पास्कल है, क्योंकि ये फोर्स पर यूनिट एरिया है, तो पास्कल जो है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को रिप्रेजेंट करता है, सिंबॉलिकली इसको पीए से रिप्रेजेंट करता है। अब हम लोग एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस पे आते हैं। इससे पहले हम लोगों ने इस टॉपिक में क्या पढ़ा है उसको ब्रीफली डिस्कस किया गया। तो एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी का है पेज नंबर 12 पे, उसका पहला सवाल है कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर्स टू द सेल्सियस स्केल। इसमें आप रिकॉल कीजिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड ये आइस का मेल्टिंग पॉइंट है, इसमें 273 अगर ऐड कर दें तो ये केल्विन में कन्वर्ट हो जाए, मीन्स 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्विवेलेंट टू 273 केल्विन। मीन्स अगर टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में हो और इसमें जब आप 273 ऐड कर देंगे तो ये बराबर हो जाएगा टेम्परेचर इन केल्विन। ठीक इसी तरह से अगर हमको केल्विन के टेम्परेचर को डिग्री सेंटीग्रेड में बदलना है तो टेम्परेचर इन केल्विन, इसमें 273 आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, अब जो टेम्परेचर मिलेगा वो डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर होगा। इस तरह से अब पहले सवाल में आइए, इस कन्वर्सन के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए। तो पहला जो टेम्परेचर दिया हुआ है जो आपके डिजिटल बोर्ड पे डिस्प्ले हो रहा है वो है 293 केल्विन, बदलना है सेल्सियस स्केल में तो 293 में सब्ट्रैक्ट करेंगे 273 तो दिस विल बी इक्वल टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरे में 470 केल्विन है, 273 आप सब्ट्रैक्ट कीजिए तो ये टेम्परेचर जो है 197 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। अब दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर्स टू द केल्विन स्केल। अब ऑलरेडी ये टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हुआ है और आपको केल्विन के स्केल में कन्वर्ट करना है दोनों ही टेम्परेचर को। अब इसके लिए 273 आपको ऐड करना है, तो ऐड करने के बाद ये 298 केल्विन और ये जो 373 डिग्री सेंटीग्रेड है इसमें जब आप 273 ऐड करेंगे तो इस एडिशन के बाद ये बन जाएगा 646 केल्विन और ये जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड है 25 डिग्री सेंटीग्रेड है ये एक इंपॉर्टेंट टेम्परेचर है, इसको हम लोग रूम टेम्परेचर की तरह से कंसिडर करते हैं, यानी थ्रू आउट द वर्ल्ड पूरे दुनिया का ये एवरेज टेम्परेचर माना जाता है, इसको हम लोग एवरेज रूम टेम्परेचर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। पहला, नेफ्थलीन बॉल्स डिसअपीयर विद टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड। तो हम लोगों ने पढ़ा है नेफ्लिन बॉल जो है इसका सब्लिमेशन होता है, मतलब बिना लिक्विड में कन्वर्ट किए हुए
नेफ्थलीन का बॉल जो है वो वेपर में कन्वर्ट होगा। वेपर में कन्वर्ट होने के दौरान नेफ्थलीन के बॉल का साइज धीरे धीरे छोटा होता जाएगा और फाइनली वो कंप्लीटली वेपर में कन्वर्ट होगा। ना तो कोई सॉलिड का रेसिड्यू दिखेगा और ना ही कोई मेल्ट या लिक्विड आपको मिलेगा। यानी विद द पैसेज ऑफ टाइम नेफ्थलीन का बॉल जो है डिसअपियर हो जाएगा विदाउट लिविंग एनी सॉलिड। तो आंसर होगा ड्यू टू सब्लिमेशन नेफ्थलीन बॉल डायरेक्टली कन्वर्ट्स इनटू वेपर। विद द पैसेज ऑफ टाइम इट्स साइज विल कीप ऑन डिक्रीजिंग एंड अल्टीमेटली इट विल डिसअपियर एंड कंप्लीटली गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर। पार्ट बी में देखिए, वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। अब सबसे पहले ये जानने का कोशिश कीजिए कि परफ्यूम में क्या होता है। परफ्यूम जो है इट इज अ मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ प्लीजेंट स्मेलिंग वेपर्स। यानी परफ्यूम जो है ये मिक्सचर है ऑफ प्लीजेंट स्मेलिंग वेपर्स। तो ये प्लीजेंट स्मेलिंग वेपर्स का मिक्सचर है। अब ये मिक्सचर एयर के साथ डिफ्यूज होके मिक्सअप करके हाई स्पीड से मूव करता है और इसके स्मेल को हम लोग सेवरल मीटर्स अवे तक देख तक महसूस कर सकते हैं। यही कारण है अगर किसी इंसान ने परफ्यूम का इस्तेमाल किया है और उससे उस दूरी पे भी खड़े हैं तो उस परफ्यूम का स्मेल, उस परफ्यूम की जो खुशबू है वो आप भी महसूस करेंगे। अगले सवाल में आते हैं, अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। वाटर, शुगर, ऑक्सीजन। तो कुछ सब्सटेंस के यहां लिस्ट बने हुए हैं, वाटर, शुगर और ऑक्सीजन। और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स के आधार पे इन्हें अरेंज करें। तो सबसे पहले फिजिकल स्टेट की बात करें, वाटर का फिजिकल स्टेट लिक्विड है, शुगर सॉलिड स्टेट में और ऑक्सीजन गैस के स्टेट। अगर हम स्टेट्स ऑफ मैटर की प्रॉपर्टी को रिकॉल करें तो सॉलिड के केस में इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है बहुत स्ट्रांग है। यानी स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन सॉलिड। इस स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होने के कारण सॉलिड के पार्टिकल के बीच का इंटर पार्टिकल डिस्टेंस बहुत कम है, सॉलिड कॉम्पैक्ट होते हैं, ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होता है, रिजिड होता है, डेंसिटी उसकी हाई होती है, इसके पार्टिकल स्लोली मूव करते हैं क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू लो है। गैस के केस में फोर्स जो है सबसे कमजोर होगा, यानी वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा गैस के केस में। और वीक फोर्स होने के कारण इनके पार्टिकल के बीच में दूरी ज्यादा होगी, इंटर स्पेस इंटरमोलिकुलर स्पेस ज्यादा होगा, डिफ्यूजन की टेंडेंसी ज्यादा होगी, फ्लो करने की टेंडेंसी इसकी हाईएस्ट। तो चूंकि यहां फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के ऑर्डर में अरेंज करने के लिए कहा गया है तो हम फिजिकल स्टेट के आधार पर कह सकते हैं फोर्स जो है सॉलिड होने के कारण शुगर के पार्टिकल के बीच में सबसे ज्यादा होगा, फिर उसके बाद लिक्विड फेज में वाटर है तो शुगर से कमजोर फोर्स वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में, और वीकेस्ट यानी सबसे कमजोर फोर्स जो है
ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने वाटर, शुगर और ऑक्सीजन को फोर्स के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया और ऑर्डर बना शुगर, वाटर, ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 5 पे, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट? तो आपको वाटर के फिजिकल स्टेट के बारे में बताना है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड, इसमें वाटर लिक्विड के फॉर्म में होगा। 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो आइस का मेल्टिंग पॉइंट है, और मेल्टिंग पॉइंट पे अवस्था का परिवर्तन होता है, टेम्परेचर में चेंज नहीं होता है, मतलब आइस कन्वर्ट करेगा वाटर में, लेकिन 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे दोनों साथ साथ कोएग्जिस्ट करेंगे। 100 डिग्री सेंटीग्रेड ये लिक्विड वाटर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट में वाटर और वाटर के वेपर्स जो है कोएग्जिस्ट करेंगे। एक बार इस कॉन्सेप्ट को एक बार फिर अगर हम लोग रिकॉल करें तो देखिए कॉन्सेप्ट क्या होता है। आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड में इसको हीट किया गया, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का यूज करते हुए आइस का कन्वर्शन हो गया लिक्विड वाटर में। अब यहाँ जो हीट एब्जॉर्ब किया गया है आइस के पार्टिकल के द्वारा, वो उनके बीच के इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कमजोर करता है और फेज ट्रांजिशन से आइस जो है लिक्विड वाटर में कन्वर्ट होता है। इस फेज ट्रांसफर के दौरान टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस भी होगा और लिक्विड वाटर भी होगा। अब अगर फर्दर हीटिंग किया जाएगा तो अब जो है टेम्परेचर इंक्रीज करेगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये लिक्विड वाटर रहेगा, और चूंकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड इस लिक्विड वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, इसलिए यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का इस्तेमाल करते हुए बॉइलिंग पॉइंट यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही लिक्विड वाटर जो है वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे लिक्विड वाटर और वाटर वेपर साथ साथ रहेंगे। अगर फर्दर हीट किया जाएगा तो वाटर का वेपर जो है वो वाटर वेपर के फॉर्म में ही रहेगा। मीन्स अबव 100 डिग्री सेंटीग्रेड फिजिकल स्टेट वाटर वेपर का होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस और लिक्विड वाटर दोनों साथ साथ एग्जिस्ट करेंगे, 0 से अबव और 100 तक ये लिक्विड वाटर के फॉर्म में रहेगा, लेकिन 100 पे ही ये वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे लिक्विड वाटर और वाटर वेपर का कोएग्जिस्टेंस होगा, और अबव 100 डिग्री सेंटीग्रेड ये वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी प्रॉपर्टी को, इसी कॉन्सेप्ट को हमने यहाँ यूज किया। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे लिक्विड वाटर होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस और लिक्विड वाटर साथ साथ एग्जिस्ट करेंगे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर का वेपर होगा, और अगर ये टेम्परेचर 100 से ज्यादा होता तब आपका आंसर होता, और अगर ये टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा होता तो आपका आंसर होता वाटर वेपर्स।
ओनली। तो ये हमने स्टेट ट्रांसफर, टेम्परेचर का इंपैक्ट, इसकी स्टडी की। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, गिव टू रीजंस टू जस्टिफाई। तो दो कारण आपको बताना है जस्टिफिकेशन के। वाटर एट रूम टेम्परेचर इज अ लिक्विड। वाटर रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है, तो पहले हम लोग लिक्विड की विशेषता पे ध्यान दें। लिक्विड के लिए फिक्स्ड वॉल्यूम है, शेप जो है इसका इनडिफिनिट होता है। जिस कंटेनर में रखेंगे उस कंटेनर के शेप को ये अडॉप्ट करेगा। इसमें फ्लूडिटी है, यानी फ्लो करने की टेंडेंसी है। तो अगर हम वाटर की बात करें, तो अगर हमने इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर अलग अलग कंटेनर में दिया तो देखेंगे कि अगर एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में ट्रांसफर करें तो वाटर के वॉल्यूम में कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन शेप जो है ये कंटेनर का शेप अडॉप्ट करेगा, इससे शेप इसका इंडेफिनिट हो गया। और जैसे ही वाटर को हम पॉर करेंगे एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में उधेड़ने का प्रयास करेंगे तो देखेंगे कि ये फ्लो कर रहा है, या फर्श पे ही पानी गिराएं तो उसमें फ्लूडिटी की टेंडेंसी यानी फ्लो करने की टेंडेंसी आएगी। इस कारण से हम लोग कह सकते हैं कि वाटर लिक्विड है। एन आयरन आलमीरा इज ए सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। अब इसके लिए आप सॉलिड की अगर विशेषता पे ध्यान दें तो सॉलिड का डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, सॉलिड रिजिड होते हैं, प्रेशर डाल करके उसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता है, उसके पार्टिकल में मोशन नेग्लिजिबल होता है जिसको हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। तो जब हम आयरन के आलमीरा की बात करें तो ये रिजिड है, इसकी डेंसिटी हाई है, हैम्बरिंग के थ्रू शेप परिवर्तन जनरली नहीं होगा, इसके पार्टिकल में रिलेटिव मोशन नहीं है, इस कारण से आयरन का आलमीरा जो है वो सॉलिड के कैटेगरी में आएगा, फिक्स शेप है, फिक्स वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन में, व्हाई इज आइस एट 273 के मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। अब अगर हम आइस और वाटर की बात करें तो 273 के जो आइस का मेल्टिंग पॉइंट है इस टेम्परेचर पे, ये लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब करके वाटर में कन्वर्ट होता है, और जैसे ही ये हीट एब्जॉर्ब करके वाटर में कन्वर्ट होगा तो उस केस में टेम्परेचर फॉल करेगा और ये कूलिंग इफेक्ट डालेगा, और वाटर चूंकि ऑलरेडी जो है लिक्विड फॉर्म में है तो वहाँ पे इस लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का कॉन्सेप्ट नहीं काम करेगा, इसलिए आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बेटर कूल करने की कैपेसिटी रखता है एज कंपेयर टू लिक्विड वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सीवियर बर्न्स, बॉइलिंग वाटर और स्टीम। यानी किस केस में जलन जो है ज़्यादा आप महसूस करेंगे, बॉइलिंग वाटर के कारण या स्टीम के कारण। फिर सेम कंसेप्ट यहाँ लगाएंगे, बॉइलिंग वाटर जो है ये लिक्विड की अवस्था में है, और जब हम स्टीम की बात करेंगे तो स्टीम जो है ये वेपर फेज में है, वेपर फेज में होने के कारण इसका एनर्जी कंटेंट ज्यादा है, इसमें ज्यादा एनर्जी इसके साथ एसोसिएटेड है, और अधिक एनर्जी होने के कारण ये ज्यादा बर्निंग
सेंसेशन लाएगा, इसकी जलन अधिक होगी। और अब हम लोग एनसीईआरटी के आखिरी क्वेश्चन में आते हैं। नेम ए बी सी डी ई एन एफ इन द फॉलोइंग डायग्राम शोइंग चेंज इन इट्स स्टेट। अब अगर स्टेट चेंज की बात करें, ए इंडिकेट करता है कि सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट कर रहा है, तो इस प्रोसेस को फ्यूजन कहते हैं, मेल्ट करना। बी वाला पार्ट बताता है कि लिक्विड का कन्वर्शन गैस में है, तो बी इंडिकेट करेगा इवेपोरेशन के प्रोसेस को। सी इंडिकेट करता है कि गैस का कन्वर्शन लिक्विड में है, तो इसको हम लोग कंडेंसेशन कहते हैं, तो ये प्रोसेस कंडेंसेशन का है। डी जो है लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करता है, तो ये फ्रीजिंग हो गया जब लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होगा। ई वाला पार्ट देखिए, सॉलिड को डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट कर रहा है, तो ई जो है इंडिकेट करेगा सब्लिमेशन के प्रोसेस को। और एफ जो है उसमें देखिए, गैस को कनेक्ट किया जा रहा है सॉलिड से, यानी गैस का कन्वर्शन डायरेक्टली जब सॉलिड में है, तो एफ जो है ये डिपोजिशन को इंडिकेट करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग ASMS।